तो यज्ञ के यहाँ दो मतलब हैं। जब हम कोई बलि दे देते हैं यानी कोई गिफ्ट देते हैं या कोई टैक्स देते हैं या कोई चीज देते हैं तो उसको बलि बोलते हैं, जो यजमान यानी जो दे। धम्मपद गाथा कथा नंबर 106-107 सहस वगो 106 और 107। जब भी धम्म में कोई व्यक्ति धम्म को सीखता है, धम्म में पारंगत होता है और यदि कहीं अरंत हो जाए, निर्वाण को प्राप्त कर ले, अमृत चक को पद ले, अमृत को छक ले, तो उसकी इच्छा होती है कि बाकी लोगों को भी ये सुख मिले, क्योंकि निर्वाण परम सुखम, जो निर्वाण है वो सबसे बड़ा सुख है। जब व्यक्ति के किसी के सारे पाप डिलीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, शरीर पाप से बिल्कुल शून्य जीरो हो जाता है, तो शरीर हल्का हो जाता है, उससे अच्छा सुख नहीं मिलता। तो सारी पुत्र, जो सारी के पुत्र थे, सारी नाम की महिला के पुत्र थे, उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया और निर्वाण प्राप्त करने के बाद में उनकी इच्छा हुई कि बाकी लोग भी निर्वाण को प्राप्त करें, अमृत पद को प्राप्त करें, निर्वाण को प्राप्त करें, सुख को प्राप्त करें। अब चूंकि सारी पुत्र अर्थ हो चुके हैं, तो अर्थ का कोई जो बंधन है, रिश्ते का, नाते का, बांधु का, बांधव का, वो सारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो अर्थ हो गया उसके सारे बंधन छूट गए, तो उसके लिए सारे लोग बराबर हो गए। व्यवहार में उन्हीं के पास पहले जाता है जिनको वो पहले से जानता होता है, जो उसकी मेमोरी में और जो उसके जानकारी में होते हैं। तो सारी पुत्र अपने मामा और अपने भागिने, भागिने का मतलब है जो भागिन का बेटा है यानी बहन का बेटा है, तो जो उनकी बहन का बेटा है यानी उनका भांजा, और वो अपने मामा, दो कथाएं दोनों में अलग अलग वो जाते हैं, वहां जाके बातचीत होती है। अब वो अर्थ हो गए हैं, बातचीत में वो उनसे पूछते हैं कि आप जीवन को कैसे यापन करते हैं और जीवन में पुण्य कमाने के लिए, पाप को भगाने के लिए, पाप को हटाने के लिए क्या करते हैं, कैसे आप अपने जितने भी दुष्कर्म हैं उनको हटाते हैं और जितने भी सुख कर्म हैं उनको लेके आते हैं। तो जो मामा हैं और भांजे हैं, दोनों ही अलग अलग बातचीत में ये बताते हैं कि हम तो जो निकट नाट होते हैं, जो समय एक अलग मत था, उनमें जो यज्ञ करते हैं, इसको संस्कृत भाषा में यज्ञ बोलते हैं, वहां आहुति देते हैं। आहुति का मतलब है कि वहां जलावन देते हैं, वो सामान देते हैं और वहां दान देते हैं, इससे हम पुण्य कमाते हैं। सारे पुत्र जानते हैं कि यज्ञ करने से या यज्ञ करने से या अग्नि का होत्र करने से या अग्नि का पूजा या फायर वर्शिपिंग करने से पुण्य नहीं मिलता, ये एक अलग क्रिया है जो भौतिक क्रिया है, इससे शरीर के मन शुद्ध नहीं होते। मगर वो खुद इस बात को अपने पुराने भांजे, जो पुराने संबंध में भांजे हैं या जो मामा हैं, उनको नहीं सिखाना चाहते। कारण स्पष्ट है कि जो घर का व्यक्ति होता है उसको बचपन से देखा हुआ होता है, वो छोटा होता है उनके सामने पढ़ता है, साथ खेलता है, पढ़ता है, तो उसकी वही छवि दिमाग में होती है। उसको ये बात मानने में बाकी लोगों को परेशानी होती है कि अब ये ज्ञाता हो गया, जानकार हो गया, ये अब ये सब जानता है। तो उन्होंने उचित समझा कि मैं ज्ञान ना देके, देशना ना देके, भगवान देशना देंगे इनको तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उनकी बात को मानेंगे, मेरी बात को तो शायद हवा में ले जाएं। तो वो सारी पुत्र उनको अलग अलग समय में दोनों को भगवान बुद्ध के पास लेके आते हैं। तब भगवान बुद्ध ये गाथा कहते हैं, गाथा नंबर 106 और 107 दोनों उसी वाक्य की हैं। मासे मासे सहस्येन यो यजेत सतंग समंग एकंच भावियत्तानं मुहूर्त मपि पूजये सायेव पूजना सेयो ये चे वस सतंग हुतं। मासे मासे सहस्येन, मासे मासे का मतलब है महीने महीने और सहस्येन का मतलब है हजारों द्वारा। यो यजेत सतंग समंग, यो यजेत मतलब जो यजेत माने जो जो यज है उसको करता है, यजेत को करता है यानी जो यज को करता है। सतंग समंग, सतंग माने सौ और समंग माने वर्षा यानी साल, यानी कि कोई व्यक्ति अगर महीने महीने भर तक यज्ञ करे और सालों तक करे और वो ऐसा हजारों बार करे, तो जो यज्ञ
जज करता है एचंग यानी एकंग चे भावी अत्तानंग। एकंग चे भावी अत्तानंग का मतलब है कि और यदि सिर्फ एक करे, भावित करे, क्या करे अत्तानंग, अपने आप को मन को शुद्ध करने के लिए सिर्फ एक बार वो प्रयास करे। कैसा प्रयास करे? मुहूर्त मपी पूजे, यानी मुहूर्त मपी का मतलब है मुहूर्त भर, यानी बहुत थोड़े समय के लिए भी उसको माने और समझे और जाने। किसको जाने? अपने आप को जाने, अपने पापा को जाने, अपने पापा को देखे, अपने अंदर देखे। साहेब पूजना सेव, साहेब का मतलब है से येव हो गया, वह ही पूजना से हो, यानी जो वो पूजेगा वो श्रेष्ठ है, जो वो मानेगा। पूजना का मतलब है जानना मानना, वो श्रेष्ठ है जो वो करेगा। ये चे वसतंग हुतंग का मतलब है जो ये वर्षों तक सैकड़ों सालों तक आहुति देता है उससे। यहां जो शब्द आते हैं, एक आता है यज्ञ। पहले यज्ञ को समझ लें कि यज्ञ क्या है। बेसिकली जो यज्ञ है, यज्ञ माने होता है सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस माने देना। यानी कि यज्ञ के दो मतलब हैं। एक तो होता है यज्ञ जो मजबूरी में या जबरदस्ती किया जाता है, और एक यज्ञ होता है जिसमें आप अपनी खुशी से कोई काम करते हैं जो खास तौर से अग्नि पूजा से संबंधित है। आपने यजमान सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ये मेरा यजमान है। यजमान का मतलब है कि ये मुझे कुछ देता है। और यज्ञ के लिए जो होता है वो बलि कर्म होता है। बलि का मतलब है टैक्स होता है, यानी यजमान ने बलि दी, सेक्रीफाइस किया, यानी कि यज्ञ में बलि डाली। और आहुति जो होता है, आहुति या हवन का जो एक नाम है उसको बोलते हैं जुहन। जुहन को बाद में हवन बोला गया, पाली में जुहन है। जुहन का मतलब है चमकीले पदार्थ को लगातार प्राप्त करने के लिए जो जलाया जाता है उसको जुहन बोलते हैं। जैसे लकड़ी आपने डाल दी, लकड़ी जलाई तो वो जुहन हो गई, इसको बाद में आहुति बोलते हैं या हवन भी बोलते हैं। तो पाली के अंदर जो यज्ञ है, यज्ञ का मतलब होता है सैक्रिफाइस, और हुत और हुत और होम का भी मतलब होता है सैक्रिफाइस। होम इसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं। और यज्ञ अगर यजती करता है, इसका मतलब कोई यज्ञ करता है, इसका मतलब हवन करता है, या वो कोई जो फायर वर्शिपिंग है उसको करता है, जलाता है। तो दो तरह से यज्ञ के मतलब है। एक यज्ञ का मतलब है मजबूरी बस आपको कुछ देना, यानी कि आप जो दे रहे हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मजबूरी बस आप कुछ दे रहे हैं। और दूसरे यज्ञ का मतलब है जो आप फायर वर्शिपिंग कर रहे हैं उसको बोलते हैं यज्ञ। तो यज्ञ के यहाँ दो मतलब हैं। जब हम कोई बलि दे देते हैं, यानी कोई गिफ्ट देते हैं, या कोई टैक्स देते हैं, या कोई चीज देते हैं, तो उसको बलि बोलते हैं। जो यजमान यानी जो दे रहा है उसको यजमान बोलते हैं, और जो एक फायर वर्शिपिंग है उसको भी यज बोलते हैं। तो यज में भी जो सामान दिया जाता है उसको यज बलि भी बोलते हैं। तो यहाँ जो ये यजेत है, यानी कि यज करता है सैकड़ों बार, इसका मतलब पहले एक कर्मकांड इस तरह का होता था कि आग जलाई और आग जला के वहां धुआं उठता था और उसमें लोग अपना सामान ऑफरिंग देते थे, और ये महीनों महीनों तक चलता था। तो उसी के बारे में है कि कोई महीने महीने भर तक करे और सैकड़ों साल तक करे तो भी उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है। इससे अच्छा अगर वो थोड़े समय के लिए अपने पापों को देख ले कि जो उसने पाप किए हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है, बशर्ते कि वो जो आग डालेगा, लकड़ी डालेगा उससे। क्योंकि यज्ञ करना जो है वो एक फिजिकल एक्सरसाइज है, यज्ञ करना एक भौतिक एक्सरसाइज है। यज्ञ करना एक जंगल में जाके या कहीं घर में जाके या कहीं एक कुंड बना के और उसमें आप कोई जलाते हैं या फायर का वर्शिप करते हैं या कुछ वहां जलावन डालते हैं और वहां आप लोग बैठते हैं, तो वहां जो धुआं उठता है उससे आपको लाभ हानि जो भी होता है, यज्ञ की जो क्रिया है वो फिजिकल है, इसमें मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, यानी मानसिक और मन की एक्सरसाइज नहीं है। तो यज्ञ करके जो आपने पाप कर्म किए हैं वो पाप कर्म नहीं जा सकते, क्योंकि पाप कर्म तो तब जाएंगे जब आप शरीर के भीतर अंदर उतर के देखेंगे कि आपने जो पाप कर्म किए हैं वो शरीर पे कैसा असर करते हैं। क्योंकि पाप कर्म अगर आग जलाने से जाते होते तो फिर तो दुनिया सारा आग चारों तरफ जला देती और पाप करती रहती। इधर पाप किया, उधर आग जलाई, और आग जला के फायर का वर्शिपिंग किया और पाप को दूर कर दिया, तो सारी दुनिया में बड़ा आसान हो जाता। पाप कर्म ऐसे नहीं जाते। पाप कर्म जाते हैं जब पाप कर्म का प्रायश्चित करेगा या उसका दंड भोगेगा और पाप कर्म करना बंद करेगा और पुण्य कर्म करना शुरू करेगा। यही भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई व्यक्ति अगर हजारों साल तक भी महीने महीने भर तक सैकड़ों बार अगर यज्ञ करे
और यज्ञ करने के बाद में वो उसमें आहुति डाले, इससे बेहतर अगर वो अपने एक बार झांक के देख ले अपने मन के अंदर, अपने गरिवान में, कि उसके जो कर्म है वो कैसे हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो देख लेगा एक बार में तो फिर उनको कम करने की कोशिश करेगा। ये इसका महा उन्होंने इसके बारे में बताया और उनको समझाया। दूसरी जो गाथा है वो इस प्रकार है, गाथा नंबर 107, यो चे वसतंग जंतु अग्निंग परिचरे वने एकंच भवितानंग मुहूर्तमपि पूजे साये पूजना सेव यंचे वसतंग हुतंग। यो चे वसतंग जंतु, यो चे का मतलब है और यदि कोई वसतंग यानी कि वर्षों सैकड़ों वर्षों तक कोई जीव अग्निंग परिचरे वने, अग्निंग परिचर्या बने का मतलब है वन के अंदर अग्नि की परिचर्या करे, पूरी चर्या करे, यानी कि अग्नि जलाए वन के अंदर, जैसे दिनचर्या होती है दिन में जो काम करते हैं, जीवनचर्या होती है जीवन में जो काम करते हैं, ऐसे ही ये परिचर्या है अग्नि की, आग की, यानी आग का जो कांड करे, कर्म कांड करे आग का वन में सैकड़ों सालों तक। वसतंग, वसतंग का मतलब है वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक। एकंच भावितानंग मुहूर्त मपी पूजे, और यदि कोई एक सिर्फ मुहूर्त भर यानी कि थोड़े समय तक ये मान ले, अपने अंदर देख ले, भावितानंग यानी कि अपना जो अंदर है उसके अंदर भावित कर ले, उसको देख ले, ध्यान तपस्या में बैठ जाए, समाधि में बैठ जाए और ये देखे कि उसके अंदर कितना पाप है और कितना पुण्य है। साये पूजना सेव, साये पूजना सेव का मतलब है वह ही जो पूजन है वो श्रेष्ठ है, यानी कि अपने अंदर जो देखना है, जो मानना है और जो जानना है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। यंचे वसतंग हुतंग, इसके मुकाबले के वो सैकड़ों सालों तक वहां आहुति दे, अग्नि जलाए और उसका चारों तरफ वो अपनी दिनचर्या को पूरा करे। दोनों ही जो कथाएं हैं, दोनों ही जो गाथाएं हैं लगभग एक सी हैं, दोनों ही सारिपुत्र के हैं, एक भांजे की है एक मामा की है, दोनों के अंदर ही ये बात बताई है कि कोई आदमी अगर फायर वर्शिपिंग करता है और अगर वो पूजा पाठ करता है फायर वर्शिपिंग की, तो उससे फिजिकल लाभ जो वातावरण का होगा वो हो सकता है, जैसे ठंड है तो गर्मी लगे, या वायु अगर प्रदूषित हो गई है तो वायु ठीक हो जाए, या खुशबूदार लकड़ी जलाएंगे तो खुशबू आएगी, बदबूदार लकड़ी जलाएंगे तो बदबू आएगी, या कोई गीली लकड़ी जलाएंगे तो धुआं आएगा, या हाथ तापेंगे, या गर्मी में जलाएंगे तो गर्मी लगेगी, ये काम तो हो सकता है फिजिकल, मगर जो मन के शुद्धिकरण है, जो मन को साफ करने का है, जो मन को देखने का है, जो पुण्य और पाप को देखने का है, वो तो समाधि से ही होगा, वो तो जब अपने अंदर झांकेगा और बैठेगा तभी होगा, थोड़ी देर भी झांकेगा तो थोड़ी देर का लाभ उसे प्राप्त होगा, वरना वो सैकड़ों साल तक अगर कहीं फायर वर्शिपिंग करता रहे तो फायर वर्शिपिंग का भौतिक लाभ हो सकता है, मानसिक लाभ नहीं। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं, हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Gachami Duti Yampi Duti
शरणं गच्छामि विरमणि सिक्खापदं स्मादयामि कामेषु मिच्छचर विरमणि सिक्खापदं स्मादयामि कामेषु मिच्छचर विरमणि